कि मैं उठाऊँ 8:30 बजे, क्योंकि उठने में देरी हो गई। पहले मैं अपनी बियर्ड शेव करूँगा, थोड़ी मेरे को लग रहा है बड़ी हो गई है। मम्मी बोलते हैं कि छोटी छोटी रखा कर, ऐसे अच्छी नहीं लगती, तो पहले मैं बियर्ड शेव करूँगा, उसके बाद आपसे मिलता हूँ। गाइज, मैंने अपनी बियर्ड थोड़ी थोड़ी काट ली थी सुबह, क्योंकि मेरी मम्मी हमेशा बोलते हैं कि ज़्यादा मत रखा कर थोड़ी थोड़ी, और अच्छी लगती है तेरे ऊपर। तो आपको बताइए, हम सभी क्या हैं, मम्मी के हीरो हैं, तो मम्मी को तो अच्छे लगने चाहिए। और मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मेरी तो ना इतने दिनों की चादर मैंने पिछले हफ्ते के कपड़े धोए हैं, और चादर मेरी यहीं पर सूख रही है। मेरे को इतनी, मैं कपड़ों को उतार के ले गया, बट मेरे को इतना याद नहीं रहा कि मैंने चादर भी लेकर जानी है। तो मैं सोच रहा हूँ, मैं इतना भुलक्कड़ हो गया हम यहाँ पे आकर, तो अभी मैं उसको लेकर जाऊँगा। और मेरे को थोड़ा सा जुकाम भी आ रहा है, तभी तो बार बार ऐसे करने पड़ रहा है, तो उसके लिए आप सभी से मैं माफ़ी चाहता हूँ। और पहले मैं चादर निकालता हूँ यहाँ से। ये मेरा फ्रेंड बैठा है मेरे साथ, जिसने मेरे को पेंसिल गिफ्ट करी थी। उस दिन तो इसका चेहरा नहीं दिखा पाया, आज देख लो आप सभी इसका चेहरा। अभी चलता हूँ मैं नीचे, और पहले अपनी चादर निकाल लेता हूँ। ले आया अपनी चादर, बिल्कुल तय करके रखती मैंने, तो इसको मैं अंदर डाल देता हूँ पहले अपनी अलमीरा के अंदर। फिर उसके बाद मैं बताता हूँ आपको कि मेरे जो है ना दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, कि जितने दिन आगे बढ़ रहे हैं ना डे बाय डे ना, तो मेरा ब्लॉग उतना छोटा होता जा रहा है, और ब्लॉग में कुछ करने के लायक भी नहीं बच रहा। मेरे पास जरा भी टाइम नहीं है, मैंने ना ही कल का ब्लॉग एडिट करा, और ना ही आज का कुछ ज़्यादा खास बनाया। तो ऐसे यार, मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं करूँ क्या, ऊपर से टाइम नहीं लग रहा जरा भी मेरे को, जरा भी रत्ती भर टाइम नहीं। तो यार मेरे को टाइम निकालना पड़ रहा है, और मेरे को सोना और कम करना पड़ेगा। 1 बजे से मेरे को 2 बजे सोना पड़ेगा, पर आपके लिए वीडियो भी डालनी है और सब कुछ करना है मुझे। तो फिर आप यार सपोर्ट करके जाएगा अपने कॉलेज को, और मिलते हैं आपसे कुछ 3:20 या 4:20 पर, क्योंकि क्लासेस का हिसाब देखना पड़ता है कि कब आप फ्री हो और कब आपको छुट्टी होगी। तो चलो आपसे बाद में मिलता हूँ 5:00 बजे। गाइज, मैं पहुँच गया था 3:30 बजे अपने यहाँ पे रूम में। छुट्टी हो गई है मैं आज जल्दी, और थोड़ा अच्छा फील करूँगा, थोड़ी देर सोऊँगा, क्योंकि सुबह नींद भी नहीं खुल रही थी मेरी। तो अभी मेरे को एडिटिंग करनी है, और वीडियो को पोस्ट पे लगाना है, पोस्ट करनी है, फिर अगली वीडियो की एडिटिंग करनी है, और कार्टून बनाना है। तो आज मेरा दिल फिर पूरा बिजी शेड्यूल रहेगा। अब तो मेरा बिल्कुल जरा भी टाइम नहीं है, तो आपके लिए ही कर रहा हूँ मैं ये सब। तो आप सब्सक्राइब करो यार, प्लीज़ सब्सक्राइब करो, एक एक सब्सक्राइब कर की नीड है मुझे। मैंने कहा है मेरे चैनल की एनिवर्सरी आ रही है, तो जल्दी से जल्दी कर दो सब्सक्राइब। अभी बज रहे हैं कुछ 5:30 होने वाले हैं, और लाइट गई है चली, और मुझे करना था अपना ड्राइंग का काम, और वो भी नहीं हो पाएगा अभी तक, क्योंकि लाइट अभी नहीं आएगी, थोड़ा सा टाइम लगाएगी लाइट आने में। तो जब लाइट आएगी तो मैं ड्राइंग बनाऊंगा, फिर वीडियो को अभी थोड़ी देर में एडिट करने लगा हूँ, और कल आपको टाइम टू टाइम मिल जाएगा ब्लॉग। तो कल का वो ब्लॉग पूरा देखना, उसमें मैंने एक चीज़ करी है, तो उसको देखना आप। चलो मिलता हूँ मैं आपसे कुछ ही पलों में। हेलो गाइस, ये मैं अगले दिन इस ब्लॉग का एंड कर रहा हूँ। इसके पीछे रीजन है क्योंकि कल चली थी हमारी डांस पार्टी, तो मैं उसकी डाल दूंगा आपको बीच में ना, और थोड़े कट भी करने पड़ेंगे, क्योंकि सॉन्ग से कॉपीराइट का सीन आता है, तो वो मुझे नहीं लेना है। तो मैं उनको कट करके डाल दूंगा, अगर जितना मैं कर सकता हूँ उनको सुनाने की कोशिश या दिखाने की, तो मैं उसको बना के डाल दूंगा। और कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। आज के ब्लॉग के लिए इतना ही, और चलिए बाय और टाटा।